हेलो बेटे, कहाँ है? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई मुस्तफा, क्या काम है? आज तो अपने बाप का नाम भी लेने लगा। अरे भाई, मैं बड़ा डायरेक्टर बन गया ना, अब बॉलीवुड में भी चर्चे हैं मेरे। तो तू मेरे को दिया इस क्या रे भाई, तो बता तेरा क्या काम है? देख बेटे, अब हमारा कुछ भी भरोसा नहीं है, हम कब जिए कब मर गए। आके ये जमीन तो नाम कर ले मेरे बेटे। अरे भाई, जमीन तो मैं मेरी कब किस नाम पे कर लिया, तेको मालूम ही होने नहीं दिया। देख लिया खेकड़े। अच्छा, जमीन तो तेरे नाम पे पहले से कर लिया। अच्छा ठीक है, जान दे कोई बात नहीं, घर को तो आ, तेरी अम्मा तेको देखने की जिद कर रही, इंतजार कर रही। ये उम्र में मैं भी देख लेता हूँ तेरे को, वो दिन आने दे। क्या तो जा बेटे मेरे घर को आ जा। अरे यार, वो बुड्ढा तो सीरियस हो जा रहा। चल ठीक है, चल मैं आता हूँ। चल जल्दी आ जा बेटे घर को। चल कहाँ है भाई मुस्तफा, बाहर निकल जल्दी। आ गया तू मेरे बेटे। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम। क्या बेटे, ज्यादा होशियारियां कर रहा? मेरी जमीन बेच दिया और मेरे अंगूठे का निशान ले लिया, मेरे को मालूम ही नहीं हुआ। होशियारियां कर रहा? तेरी माँ का चिंदी चोर मालूम? दौलत मेरी हराम में लुटा रहा साले, कुत्ते कमीने। तू तो बोला ना रे साले, एक रुपए भी बाप का नहीं लेता हूँ, एक रुपए भी खर्चा नहीं करता हूँ। बोल के पप्पा यार, वो धोखे से बिक गए यार वो जमीन। अब तू देख मेरे से क्या क्या धोखा होता। अरे मेरे को फैयाज भाई का केस आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। देखो पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, वकील की गलती है। वकील बोला मेरे को जमीन बेचने के वास्ते। बस देख लिया बेटे, अगर तू ऐसी गलत राय नहीं देता था तो मेरे पापा तेको मारते ही नहीं थे। नहीं क्या पापा? ज्यादा होशियारियां कर रहा, हाथी के चोसड़े। अरे अरे पापा, अरे अल्लाह की कसम मार लेगी। अरे अरे 1100 करोड़ का मसला है। 1100 करोड़? अब्बा तो गलती हो गई, जमीन तो बिक गई, लेकिन अपने लौंडे को एक मौका देके देखो। तुम ऐसी जबरदस्त फिल्म बना रहे ना कि 1100 करोड़ आते, तुम यकीन नहीं मानेंगे, पूरा शहर खरीद लेते तुम वो पैसों से, समझे ना? सही बोल रहा अब्बा, बहुत बढ़िया पिक्चर बना रहा हूँ। इन्हें कौन है बीच में बोल रहा? सो अब्बा मैं फिल्म का हीरो हूँ। ये खेकड़े को कहीं को हीरो लिया, इससे अच्छा तो मेरे को हीरो ले लेता। और इन्हें कौन है भैंस के ऐसा बैठे हुआ है? सो गद्दारों में फिल्म का लिटिल सनी देओल। अरे कैसे कैसे लोगों को लेके फिल्म बना रहा रे, वो तो सबर है मेरे को कि अपनी फिल्म 1100 करोड़ कमा ले रही। बोल के रहने दे इसको, जाके बोल भैंस का गोबर उठा बोल, और उसको जाके झाड़ू मारो बोल जरा जाके। अरे क्या है डायरेक्टर साहब, सब मैं करूँ, ये सब ही फिल्म का हीरो हूँ मैं, अब ये चिंदी कामा करूँ। हाँ बा कर लेंगे, कर ले खामोश, घर का इतना काम है।
क्योंकि अब्बा हम ना जा रहे हैं, चार पांच दिन की शूट और बचे भी है, साथ पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, 1100 करोड़ रुपए लेके आता हूँ मैं। लेकिन देखो 1100 करोड़ रुपए रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो सब तुम्हारी है। मेरे को नहीं मालूम क्या करते कैसा रखते, बस वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है चल रहे भाई बताओ। अरे तो पहले पैसे तो ला, जगह बहुत गहरी गहरी है मेरे पास, देख ले। जबरदस्त करे यार, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। कैमरा मैन तुमने तीनों भी एकदम जबरदस्त, मेरे को बड़ा डायरेक्टर तुमने बना के छे थे। कैमरा मैन भी जो जबरदस्त पूरे शॉट जो है ना पूरे सिनेमैटिक लिया। चलो तुम लोग पूरे घर को जाओ और जरा वीडियो एडिटिंग करा के ले लेके आता हूँ। ठीक है चलो रे भाई, फाइनली मूवी की शूट पूरी कम्प्लीट हुई एक हफ्ते के बाद, बहुत मेहनत लगी लेकिन खुशी भी उतनी छोड़ी। देख रहे भाई डायरेक्टर बन गया मैं, इतनी बड़ी फिल्म बना लिया मैं, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा मैं डायरेक्टर बन गया मैं। लेकिन देख ये तेरे को एडिटिंग मेरे को आज की आज करके देना है, कहीं बोलते मेरे को कल को रिलीज करना है ये फिल्म ना। अरे डायरेक्टर साहब ये मैं 2-3 घंटे में बनाया तो पूरी जो भी एडिटिंग वगैरह है, वो कैंसर बोर्ड के तुम परमिशन नहीं लिए कल की रिलीज की। अरे वो गिरगिट तो कैंसर बोर्ड की परमिशन के बारे में टेंशन कुछ भी नको ले तू, समझा ना, उसको तुम्हें पैसे भर दिया, अपने को कल ही रिलीज करना है, उसके बारे में तो कुछ भी टेंशन नको ले, बस एडिटिंग करके मेरे को दे दे, समझा ना। ठीक है मैं एडिटिंग अभी शुरू कर देता। देख रहे भाई फिल्म में हर सीन में जगह जगह पे मेरा नाम लिख दे, बड़ा डायरेक्टर अलीम, डायरेक्टर अलीम बोल के। कहीं को बोलते हो ये फिल्म जो है ना 1100 करोड़ कमाने वाली है, तो क्या मेरा नाम भी दिख गया ना कौन बनाए बोल के। आज तुम्हारे को तुम्हारे बेटे पे गर्व होगा, क्योंकि आज मेरे पूरी एक हफ्ते की मेहनत की पूरी फिल्म बनाए तो कमाई तुम्हारे कदमों में ले जाकर रखने वाला हूँ। मेरा भी दिल बोल रहा बेटे ते को एक जोड़ी कपड़े बनाता हूँ आए बात। कपड़े भी तो तुम ही कर रहे थे ना, वो 3 करोड़ रुपए की जमीन बेच दिया बल के, अब 1100-1200 करोड़ रुपए तो दे रहे हो ना तुम्हारे को। अरे बेटे वो हमारा नालायकपन था, गलती की माफी दियो यार। डायरेक्टर साहब हम लोग भी पैसे मिलेंगे ना। साले कुत्ते कमीने बैल के, तेरे को हीरो बनाया वो बड़ी बात है ना रे, पैसे भी बना दे, देखो यार हो पप्पा तुम। अरे रहने दे बेटे गरम कहीं को हो रहा रही, रहो रे मैं दिलवा देता हूँ तुम लोगों को, गरीबों में भी 2-4 लाख रुपए बांट देंगे यार, मैं दिलाता हूँ रे तुम लोगों को पैसे। ये लो अलीम साहब आपकी मूवी का कलेक्शन। बाकी तुम्हारा ही इंतजार था देखो कब पैसे लेके आते गए बोलते, लेकिन ये मेरे को नको दियो, हमारे वालिद साहब को दियो, ये सब इनका ही है। हेलो पिताजी आप अपने हाथ से ओपन करो। ये क्या 1100 रुपए? अबे भाड़ू तू गलत बैग उठा के लेके, अपना बैग 1100 करोड़ का है, वहां देख तू दूसरा उठा के ला लिया तू। ये तो वही बैग है, अभी कोई देख रहे भी नहीं थे मूवी, 3 जनों को मैं जबरदस्ती बिठा के दिखाया सो फिल्म है, उसका कलेक्शन है। फिल्म फ्लॉप हो गई? चिंदी फिल्म बैगन की फिल्म बना के अभी ऊपर से डायरेक्टर अलीम बोल के बोल रहा, फ्लॉप ने तो क्या हिट जाती है फिल्म। तू क्या है रे भाई ऐसा बोल रहा, मेरे बाबा की जमीन बेच दिया ना मैं 3 करोड़ की फिल्म बनाने के चक्कर में। चल नहीं कोई नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई तो नेक्स्ट टाइम जो है ना 3 से नहीं 5 करोड़ का बजट लगा तो अच्छी फिल्म बनती और अच्छा कमा सकता हूँ। हाँ मायके को खराब करूँ मेरे पापा के पैसे, मेरे को तो शौक भी नहीं है फिल्म विल्म बनाने का। अब चलो पापा तुम्हारी दुकान की चाबी दियो, तुम्हारी पूरी दुकान पूरी काम पूरा मैं संभालता हूँ आज से, इधर लो।
पप्पा आज से तुम घर में आराम करेंगे, समझे ना। दुकान का सारा कारोबार जितना भी है पूरा मैं संभालता हूँ, और दुकान की चाबी भी दे दो, तो दुकान को आने की जरूरत भी नहीं है। तू तेरी फिल्म के चक्कर में मेरे 3 करोड़ की जमीन बैगन में मिला दिया। हर बेटे तेरे को चाबी नहीं चाबा देता हूँ। ओह नो, भाग रे बेटे। क्या बात है।